सभी गुड आफ्टरनून, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? लास्ट क्लास जो अपन ने खत्म की थी उसमें अपन चर्चा कर रहे थे जो राजस्थान के कुछ नवीन जिले बने हैं उन जिलों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहले अपन ने कौन सा जिला पढ़ा था, कौन सा जिला पढ़ा था? अनूपगढ़ जिले की बात की थी। और अनूपगढ़ जिले की बात की थी तो क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि ये कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया है, पुनर्गठन करके बनाया गया है, दो जिलों को। दो जिले कौन से थे? बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर जिले के कुल मिला के कितने तहसीलों को इसमें शामिल किया गया? 7 तहसीलों को शामिल किया गया, जिसमें 2 तहसीलें किससे ली गई और 5 तहसीलें किससे ली गई? गंगानगर से ली गई थी। वो 5 तहसीलें गंगानगर वाली कौन सी थी? तो उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था रायसिंह नगर, इसके अलावा खुद अनूपगढ़ हो ही जाएगी, श्री विजयनगर हो गया था, घड़साना हो गया था और रायला हो गया था। उसके बाद 2 अपन ने देखी थी जो बीकानेर से ली गई थी, वो बीकानेर वाली कौन सी थी? एक तो छतरगढ़ थी और एक खाजूवाला थी। खाजूवाला और छतरगढ़ बीकानेर से ली गई है। इसका मतलब ये जो नीचे वाला है ये कौन से हैं? बीकानेर जिले से लिए गए हैं। और ये 5 जो तहसील, टोटल 7 तहसीलें हैं, लेकिन इसके उपखंड कितने बनाए गए? इसके उपखंड बनाए गए थे 6। यानी कि उपखंड इसमें से कौन सा नहीं होगा? जो रावला है ये रावला उपखंड नहीं होगा। तो उपखंड कौन से थे? मैंने आपको बताए थे रायसिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, छतरगढ़ और खाजूवाला। ये यहाँ पे उपखंड आते हैं। तो उसमें अपन उपखंड की बात कर ली थी, कौन से उपखंड हैं और कौन से तहसीलें हैं। उपखंड में तहसील है, इसके अलावा आपके यहाँ पे केवल गढ़साना में आपको क्या मिलेगा? गढ़साना में जो है गढ़साना में 2 तहसीलें होंगे बस। ये अपन इसकी बात की थी। इसके अलावा और अपन ने क्या चर्चा की थी? अनूपगढ़ जब ये जिले बने हैं तो 2 जिलों पे प्रभाव पड़ गया। एक तो गंगानगर जिले पे प्रभाव पड़ गया, तो फिर गंगानगर जिले की आकृति अब हो गई चेंज। बेचारा खुद क्या पड़ गया? छोटा। इसमें ज्यादातर जो जिले देखोगे ना, नए जिले जो बने हैं, उन नए जिलों में ज्यादातर पहले वाले जिले से बड़े बन गए। जैसे अपन डीग जिला पढ़ेंगे तो डीग जिले की भी वहां पर उसका जो तहसीलें हैं, उसके उपखंड हैं, वो भरतपुर जिले से ज्यादा हो गए। ऐसे ही इसके अपन बात करें अनूपगढ़ की, तो ये अनूपगढ़ गंगानगर से टूटकर बना है। प्रॉपरली अनूपगढ़ किसमें था? गंगानगर में था। तो गंगानगर से टूटकर बना, तो इसका मतलब गंगानगर क्या पड़ गया? छोटा पड़ गया। और छोटे होने की वजह से वहां उपखंड कितने हो गए? 5। तहसीलें कितने हो गई? 6। वो 6 तहसीलें कौन सी थी? 6 तहसीलें कौन सी थी? हाँ, मतलब ये तो यहां पे देख के बता दिया, उसके बाद का नहीं पता। खुद गंगानगर होगी, अरे गंगानगर तहसील होगी, इसके अलावा है श्रीकरणपुर, उसके अलावा पदमपुर, इसके अलावा सूरतगढ़ और इसके अलावा शार्दुल शहर। ध्यान रखना, सरदार शहर अलग है और शार्दुल शहर अलग है। शार्दुल शहर पड़ता है आपके गंगानगर में और सरदार शहर पड़ता है चूरू में। वहां उपखंड कितने बने थे? 5। 5 उपखंड कौन से थे? बस आप उसमें क्या कर दो, उन तहसील में आप हटा दो किसको? गजसिंहपुर को हटा दो, तो 5 के 5 उपखंड बन जाएंगे। पदमपुर में गजसिंह थी, तो पदमपुर तो क्या हो गया, वहां पे हो गया उपखंड, और गजसिंह उसकी क्या हो गई? तहसील। ये सब अपन ने देखा था। इसके अलावा अनूपगढ़ में क्या देखा था कि अब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो लगेगा वो कितने जिलों का लगेगा? 5। पहले 4 का लगता था, लेकिन अब कौन सा जुड़ जाएगा? अनूपगढ़ जुड़ जाएगा। इसके बाद और बात की थी कि गंगर नदी पहले 2 जिलों में प्रवाहित होती थी, अब कितने जिलों में होनी हो जाएगी? 3 जिलों में। यानी कि अनूपगढ़ भी क्या हो जाएगा? अब इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है कौन सा? जैतसर। वो भी कहाँ हो जाएगा? बुड्ढा गुरुद्वारा जोहड़ जो है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है, वो भी कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा?
और धान का कटोरा जो है वो गंगानगर से बोला जाता है, वो अब उसका वहां पे क्या दर्जा है वो छिन जाएगा, किससे? गंगानगर से। इसके अलावा अपन ने बीकानेर से संबंधित बात की थी, तो बीकानेर में कितने उपखंड हो गए थे और तहसीलें कितनी हो गई थी? 8 तहसीलें वहां पर हो गई थी। उसके बाद अपन ने बात की थी कौन से जिले की? बालोतरा जिले की। बालोतरा की क्या क्या बात अपन ने देख ली थी? बालोतरा में अपन ने पढ़े थे बस उपखंड कितने हैं, बस, यानी कि 2 बी के और 2 एस के। 2 बी के कौन से थे? बालोतरा और बायतू। और एस कौन से हो गए थे? सिवाणा और शिणधरी। शिणधरी भी एक हो गया था। बायतू की अगर बात की तो बायतू में 2 आ जाएंगे, एक तो खुद बायतू और एक कौन सा आ जाएगा? गिड़ा। इसके अलावा सिवाणा में एस फॉर सिवाणा, एस फॉर समदड़ी और एस फॉर शिणधरी। यहां शिणधरी, समदड़ी और सिवाणा। और उसके बाद बालोतरा में कौन सा था? पचपदरा और कल्याणपुर। ये सब यहां पे अपन ने उपखंड प्लस तहसीलें अपन ने देख ली थी। उसके बाद अपन ने बात की थी क्या इसके चारों कितने जिले लगते हैं? कितने जिले लगते हैं? 5 जिले लगते हैं। इधर जो समदड़ी वाला है ये कौन सा है? बीकानेर, सॉरी पाली वाला। नीचे अगर शिवाणा और शिणधरी की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा? जालौर वाला। इधर बायतू वाला बात की जाए और शिणधरी की बात की जाए तो इधर बाड़मेर, और इधर बात की जाए गिड़ा वाला इलाका है तो इधर लग गया कौन सा? जैसलमेर। और इधर जो बच गया वो कौन सा जिला लगता है? वो लगता है जोधपुर। यानी कि इस जिले के साथ कितने अभी तक कितने जिले लगे हैं? 5 जिले इसके साथ सीमा, यहां पर जिले सीमा साझा करते थे। ये बात अपन ने वहां तक पढ़ ली थी। इसके अलावा बालोतरा की एक और बात अपन ने पढ़ी थी कि बालोतरा जो उपखंड है उसका मुख्यालय कहां होगा? बालोतरा। लेकिन उसकी तहसील कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कहीं तहसील? बालोतरा क्या बना दिया? उपखंड तो बना दिया लेकिन इसकी तहसील नहीं बना पाई। अब ये गलत है, गड़बड़ हो गई, क्या हो गई नहीं पता। जैसे ये तो पहले अपन पढ़ते थे ना राजसमंद जिला, राजसमंद जिले की एक बात पढ़ते थे कि राजसमंद जिला राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय ही वहां नहीं है। वो कौन सा था? राजनगर। ऐसा ही ऐसा हो सकता है कि अपन पढ़ेंगे कि बालोतरा एक ऐसा जिला है जिसके खुद की तहसील ही नहीं है, मतलब इसमें उसकी तहसील यहां पर नहीं लग रही है। ये सब बात अपन ने कल वाली क्लास में देख ली थी। इसके अलावा कुछ और पढ़ा था अपन ने? पढ़ा था क्या? कोई नहीं पढ़ा था। यानी बालोतरा की बात की जाए तो उसमें कल एक बात पड़ी थी, यहां के जो वर्तमान विधायक हैं कौन कौन? मदन प्रजापत। कौन है? मदन प्रजापत। ये मदन प्रजापत है, इन्होंने कहा था कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बन जाता तब तक क्या नहीं पहनूंगा? चप्पल नहीं पहनूंगा। लेकिन बालोतरा जिला बन गया, और बन गया तो क्या हो गया? चप्पल पहनी, चप्पल भी नॉर्मल चप्पल नहीं, चांदी की चप्पल पहनी है। और पहनाने वाला भी कौन? अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री से चप्पल पहनता है वो। इसका मतलब बालोतरा जिला कोई आज से ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले या 388 दिन उसको लगे, 388 दिन में ये बनी है, जिला बना है। तो ऐसा नहीं था कि जिला ये पहले 388 से शुरुआत उसी समय हुई थी। 1984 से ही ये बालोतरा जिले को बनाना शुरू कर दिया कि जिला बनाओ जिला बनाओ। संघर्ष समिति भी इसके तहत बनी, और उसमें वहां पे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अभय सिंह राजपुरोहित। उसने सबसे पहले बालोतरा जिला बनाने की क्या कही थी? कवायद शुरू की थी। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था रेल रोको आंदोलन। तो कौन थे? अभय सिंह। तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में इसके थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, 2-3 नाम। एक तो कौन आ जाएगा? अभय सिंह राजपुरोहित। कौन है? अभय सिंह राजपुरोहित। और एक कौन हो जाएगा आपका? मदन प्रजापत। मदन प्रजापत। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, जो बालोतरा वाला लिख रहे थे इसमें सबसे लिखेंगे, बालोतरा को सबसे पहले, बालोतरा को अशोक गुर्जर वनपाल। सर जी हम भी गंगापुर सिटी में गए करौली से। हाँ जी भाई चले गए होंगे। नमस्ते सर जी। नरेश नमस्ते। आशा सुईवाल गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। प्रियंका चौधरी राधे राधे, राधे राधे सभी को। उर्मिला मीना प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। रोहितास राम राम सर, राम 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 राम। हाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बालोतरा को जिला बनाने की कवायद सबसे पहले 1984 से
1984 से शुरू हो गई थी। हो गई थी, हो गई थी, जब अभय सिंह राजपुरोहित ने, जब अभय सिंह राजपुरोहित ने इसको जिला बनाने के लिए, इसको जिला बनाने के लिए, बनाने के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया था, रेल रोको आंदोलन चलाया था। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे बालोतरा के वर्तमान विधायक, बालोतरा के वर्तमान विधायक मदन प्रजापत, बालोतरा के वर्तमान विधायक मदन प्रजापत ने बालोतरा जिला बनने तक यह कसम खाई थी, यह कसम खाई थी यह कसम खाई थी कि वह चप्पल नहीं पहनेगा, मतलब जूते चप्पल जो भी है, चप्पल नहीं पहनेगा, मतलब नग्गे पैर वहां पर जाएगा, जहां भी जाएगा नग्गे पैर जाएगा। तो वो कौन थे? मदन प्रजापत। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा पूछ सकता है कि मदन प्रजापत का संबंध किस जिले से है या मदन प्रजापत का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है, तो ऐसे वो कई बार पूछ सकता है क्योंकि ये लाइम टाइम में रहा था उस समय। ठीक है, जैसे ही घोषणा हुई थी तब जाके उसने चांदी के चप्पल पहने थे, उससे पहले नहीं पता था कि ऐसा कर रहा है क्या, लेकिन जैसे ही चांदी के चप्पल पहने तो लोगों ने देखा कि कौन पहन रहा है चांदी के चप्पल, मदन प्रजापत, कौन है ये, बालोतरा का विधायक, क्या हो गया था ऐसा, तब बताया गया था कि ये क्या कर रहा है, इसने शपथ ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक बालोतरा नहीं बन जाता तब तक, और बन भी गया तो देखो क्या बना, उपखंड बन गया, तहसील भूल गए, पता नहीं कुछ ज्यादा ही जोश आ गया था कि क्या आ गया था, बस एक बार बना दो कैसे न कैसे करके, ये हाल हो गया। तो अगली लाइन में लिखेंगे, लिखेंगे बालोतरा जिला, बालोतरा जिला, हाँ बालोतरा किससे अलग हुआ है सर, बाड़मेर, हाँ बाड़मेर अकेले से ही हुआ है भाई, हाँ बालोतरा जिला एकमात्र ऐसा जिला उपखंड है, एकमात्र ऐसा जिला उपखंड है, जिला उपखंड है जिसकी तहसील बालोतरा नहीं है, जिसकी तहसील बालोतरा नहीं है। ठीक है, अब बालोतरा का नाम कहां क्या सुनते थे आप, हैं? बालोतरा का कई नाम पहले सुनते थे क्या राजस्थान के भूगोल में, कहीं बालोतरा नहीं सुना, कहां सुनते थे? हाँ, जो कहते हैं ना पहले कि लूणी नदी है, इसका पानी पहले मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के आगे इसका पानी क्या हो जाता है, अब ये पढ़ेंगे कि उस जिले में पहले क्या पढ़ते थे, बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास ये आती है, और अपन पहले क्या पढ़ते थे, इसकी जितनी भी लूणी की जब लगभग सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां क्या है, वो बालोतरा में आके इनसे मिल जाती है, तो क्या पढ़ते थे अपन, बालोतरा बाड़मेर में आके मिल जाती है, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, बालोतरा जिले में आके ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये यहां पे इसमें बस एक था थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि बालोतरा पहले अपन पचपदरा झील पढ़ते थे, पढ़ते थे पचपदरा झील, पचपदरा झील पहले पढ़ते थे, पचपदरा झील कहां, बाड़मेर में, लेकिन अब क्या पढ़ना पड़ेगा, बालोतरा में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दो तीन बात और लिख लो, वह कि प्रॉपरली पूरा भूगोल तो अपन यहां छापवा नहीं सकते क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो उसमें साथ साथ लिखवाते जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पे लिख लो, लिखेंगे इसमें बालोतरा को पोपली नगरी के नाम से भी जाना जाता है,
बालोत्रा को पोपलिन नगरी, बालोत्रा को पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है। पहले तो शायद नहीं सुना होगा लेकिन अब सुनोगे, किस जिले को पोपलिन, जैसे डायमंड सिटी के तौर पे किसे बोला जाता था, रेड डायमंड सिटी धौलपुर, ग्रेनाइट सिटी जालोर, ऐसे सुनते थे। अब अपन पढ़ेंगे पोपलिन सिटी, तो पोपलिन सिटी कौन सी होगी, कौन सा जिला। पोपलिन होता क्या है, एक प्रकार से जो वस्त्र होता है, कपड़ा जो होता है, जिसका क्या किया जाता है, रंग छपाई की जाती है, रंग छपाई करने के बाद में एक तरीका होता है उसका कपड़े का, जिसे बोलते हैं पोपलिन। विदेशों में बहुत ज्यादा प्रचलित है इस प्रकार के पोपलिन कपड़े। ऐसे ही अपने राजस्थान में कहां, बालोतरा में। तो कई बार सवाल आता भी था कि क्या आता था सवाल कि लूणी नदी का जो लूणी नदी जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है उसका कारण क्या है, ए कोयला उद्योग, बी वस्त्र रंग छपाई उद्योग, सी मिट्टी का अपरदन या मृदा का अपरदन, ऐसे चौथा विकल्प कुछ और दे देते थे। तो वो प्रदूषित क्यों हो रही थी, जैसे ही कपड़ा रंग छपाई करते थे उनका जो केमिकल निकलता था वो क्या कर देते थे, लूणी नदी में छोड़ देते थे। तो रंगाई छपाई वाला जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं, आती है जिसे बोलते हैं पोपलिन। इस कारण से क्या बोला जाएगा, बालोतरा को पोपलिन नगरी कहा जाएगा। इसके बाद लिखेंगे पचपदरा झील जो पहले बाड़मेर जिले में थी अब बालोतरा जिले में होगी। पचपदरा झील जो पहले बाड़मेर में थी अब वो कहां होगी बालोतरा जिले में। सिवाणा का किला कहां पढ़ते थे, अब कहां पढ़ना पड़ेगा, पहले बाड़मेर में पढ़ते थे, तो लिखेंगे सिवाणा का किला बाड़मेर में न होकर अब बालोतरा में होगा। बालोतरा में होगा, ठीक है, तय हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका बालोतरा। अब इस पे प्रभाव किस पे पड़ा, कौन से जिले में प्रभाव पड़ा था इसका, बाड़मेर का पड़ा था या नहीं पड़ा था, बाड़मेर की क्या हालत है। तो बाड़मेर वैसे भी क्षेत्रफल में अपन पढ़ते थे, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, तो बताओ क्षेत्रफल में टॉप 5 में आता था या बाड़मेर आता था, नहीं आता था, आता था, कौन से स्थान पे आता था, क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पे आता था। अब इससे बालोतरा अलग हो गया है, उसके बावजूद भी देखो जो बाड़मेर है बड़ा क्षेत्र है तो बड़ा रहेगा ही, और बड़ा इतना है कि इसके उपखंड कितने हैं, 8 उपखंड इसके अंतर्गत आते हैं, यानी बाड़मेर पे क्या आ गए, अब इसके कितने उपखंड हो जाएंगे, 8 उपखंड बीकानेर के बाड़मेर के हो जाएंगे, जिसमें से टोटल मिला के 12 तहसीलें इसमें शामिल होंगी, किसमें, बाड़मेर में। तो उसमें लिख लेंगे बाड़मेर वाले में, क्योंकि जब बालोतरा पड़ा है तो यह भी पता होना चाहिए कि बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बाड़मेर में कौन से उपखंड होंगे। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको यह कंफ्यूज नहीं होगा कि जैसे मान लो अपन ने पढ़ा, क्या आप पढ़ोगे, सर हमने कहीं इंदिरा गांधी नहर पढ़ा था, और इंदिरा गांधी नहर जब पढ़ा था तो यह बोला था कि उसका 0 पॉइंट कहां है, गडरा रोड है। अब सर हमें यह बताओ कि गडरा रोड बालोतरा में गया या बाड़मेर में रह गया। तो पहली बात तो ये देखो कि बालोतरा जब अपन ने पढ़ा था तो बालोतरा को क्या पढ़ा था, ये अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य सीमा वाला है कि आंतरिक जिला है। मैंने बताया था कि आंतरिक जिला है, क्योंकि जब अपन ने बात की थी इधर ये बात की थी तो इधर कौन सा लगा था, बाड़मेर जिला लगा था या नहीं लगा था, इसका मतलब बाड़मेर इधर आ गया तो ये क्या हो गया, अंदर चला गया, अंदर जाने की वजह से आंतरिक जिला हो गया। इसका मतलब आप कंफ्यूज ना हो कि गडरा रोड जो है वो गडरा रोड किस में होगा, फिर आपका बाड़मेर में होगा, इसलिए बाड़मेर का भी तो पता होना चाहिए कौन से इसके अंतर्गत है। जैसे आप पूछोगे, सवाल आएगा बाटवाड़ो का कुआ है वो कहां है, अब वो सोचोगे बाटवाड़ो का कुआ बाड़मेर में पड़ता है लेकिन बाड़मेर से क्या बन गया, बालोतरा, क्या पता बालोतरा में ही हो। तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि बाड़मेर में इसके क्या प्रभाव पड़ा है, क्या कौन से उपखंड बने हैं, तो उसको अपन देखते हैं कौन से उपखंड है बाड़मेर के। अगर बात की जाए उपखंड,
तो उपखंड कितने बने हैं? 8, जिसमें से एक कौन सा है? पहला तो खुद कौन सा हो जाएगा? धोरी मन्ना, इसके अलावा गुढ़ा मालाणी, गुढ़ा मालाणी, इसके अलावा आएगा सेडवा, इसके अलावा आएगा सिव, और इसके अलावा कौन सा बच गया आपका? बाड़मेर हो गया, गडरा रोड हो गया, रामसर हो गया, धोरीमन्ना हो गया, गुडामलाणी हो गया, सेडवा हो गया, शिव हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका? चौहटन। अब कंफ्यूज नहीं होगा आपको, जैसे अपन पढ़ते थे कि गोंद के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? चौहटन। वो पूछेगा कौन से जिले में है, तो आपको बालोतरा में नहीं जाना पड़ेगा, ये इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पर पता चल जाएगा कि यहां पे कौन सा है। बाड़मेर में अगर तहसीलों की बात की जाए तो तहसील कौन सी होगी? वो तहसीलें आपकी होंगी, एक तो खुद बाड़मेर तहसील होगी, एक बाड़मेर ग्रामीण तहसील होगी, और इसके अलावा आपकी बाटाड़ू होगी। अब ये बाटाड़ू कौन सा है? वही बाटाड़ू का कुआ, ठीक है। गडरा रोड की बात की जाए तो इसमें खुद गडरा रोड तहसील होगी, रामसर की बात की जाए तो रामसर में भी यहां पे आपकी होगी रामसर, खुद तहसील होगी, धोरीमन्ना में धोरीमन्ना आपकी होगी, इसके अलावा गुढ़ा मालाणी में गुढ़ा मालाणी होगी, गुढ़ा मालाणी, और नखेड़ा, सेडवा की अगर बात की तो सेडवा ही होगी, शिव में शिव, शिव तहसील कौन सा? उंड काश्मीर, सुना है आपने उंड काश्मीर, रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा उंड काश्मीर में हाल ही में मंदिर बना था, वो कहां है? शिव तहसील, तो शिव तहसील कहां है? बाड़मेर में रह गई शिव, और चौहटन में चौहटन खुद हो गया, और एक कौन सा हो गया? धनाऊ। ये मुख्य रूप से इधर ये उपखंड हैं, तहसील 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी तहसीलें हो गई? 12 तहसीलें, यानी कि उपखंड 8 और तहसीलें कितनी होंगी? तहसीलें होंगी 12, क्या होंगी? 12। बताओ कोई समस्या? ये वैसे तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कोई तहसील, क्योंकि आज तक ही तहसील नहीं पूछता था पेपरों में, तो कैसे पूछेगा, लेकिन ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि जब ये जिले नए बने हैं तो आपको परेशानी नहीं हो। बाकी अभी राजस्व विभाग ने प्रॉपरली हर एक गांव का आंकड़ा जारी नहीं किया है, वो सीमा तय नहीं की है, तो मोटे तौर पर अपन थोड़े से ये ध्यान रखना है यहां पर कौन से जिले आते हैं, कौन से तहसीले और उपखंड यहां पर आते हैं। यह हो जाता है आपका बालोतरा जिला। अब अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। पहले तो देखते हैं ब्यावर जिले में आपको यहां पे अलग से क्या क्या दिख रहा है, अलग क्या क्या दिख रहा है ब्यावर में? अगर नहीं पता चल रहा है तो पहले इधर पढ़ लो, उपखंड है नाम, उपखंड कौन से? ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, बदनोर, कौन से हैं? क्या क्या हैं? ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, बदनोर। इसका मतलब इसमें जैतारण, मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े, जैतारण तो बहुत प्रसिद्ध है, जैतारण पाली, जैतारण पाली, गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ते हो इतिहास में,
जैतारण, पाली। यानी कि इसका मतलब इस ब्यावर में से एक जिला कौन सा लिया, कौन सा जिला शामिल किया गया है, पाली लिया गया है, यानी कि पाली। जैतारण कौन सा, ये तो आपको देखो ये लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये जो हिस्सा लिया गया है ये रायपुर और जैतारण ये दोनों के दोनों कहां से लिए गए हैं, पाली से, ठीक है। उसके बाद ये अलग से दिख रहा है जिसका नाम है बदनोर। बदनोर कहां पड़ता था पहले, पहले पड़ता था भीलवाड़ा में। इसका मतलब अब इसमें किस में आ गया, ये आ गया है आपका ब्यावर में, यानी कि इधर कौन सा लग गया, भीलवाड़ा। और इसके अलावा मसूदा, विजयनगर, ब्यावर खुद पहले किस में था, अजमेर में था या नहीं था, अजमेर में था। इसका मतलब ये जो लिया गया है, ये जो अलग से दिख रहा है आपको, ये किससे लिया गया है, अजमेर से। यानी कि इस ब्यावर जिले को पाली, भीलवाड़ा और अजमेर किससे लिया गया है, अजमेर से लिया गया है। और एक लास्ट जो बचता है ये कौन सा, टोटगढ़, टोटगढ़ या टोटगढ़ इसे बोलते हैं। तो आपने पहले वाले भूगोल में पढ़ा होगा रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, क्या पढ़ा है, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य पढ़ा है, पढ़ा है क्या, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य। सवाल आता है कि रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य वो कौन से जिले में है पहले वाले के हिसाब से। तो इस रावली टोटगढ़ का जो विस्तार था वो तीन जिलों में था, कितने जिलों में, तीन जिलों में, जिसमें से एक था अजमेर, एक था पाली और एक था राजसमंद। कितने में था, और मैं कई बार बताता भी था कि जैसे अगर बात की जाए, इधर पाली है, पाली है, इधर बात करते पुराने वाले में, इधर कौन सा था, राजसमंद, राजसमंद के जस्ट नीचे कौन सा था, उदयपुर, और इधर राजसमंद के जस्ट ऊपर कौन सा था, अजमेर से इधर कौन सा था। लेकिन अपन भीलवाड़ा को अपन नहीं देखेंगे, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भीलवाड़ा था। पाली, राजसमंद, उदयपुर में एक तो यहां पे ये जो था इसमें एक अभ्यारण्य था, और अजमेर, राजसमंद और पाली इसमें एक अभ्यारण्य था। इसका मतलब यह है कि इधर वाला अभ्यारण्य अलग, इधर वाला अभ्यारण्य अलग, उसमें मुख्य सबसे ज्यादा किसका मान हो गया फिर, राजसमंद का, और इसके अलावा दूसरा कौन सा है, पाली। दोनों तरफ से राजसमंद और पाली दोनों यहां पर आते थे। तो पाली, राजसमंद, उदयपुर में था कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा था, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और पाली, राजसमंद और अजमेर में था कौन सा, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य। ये रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य ऐसे तीन जिलों में था। इसका मतलब अजमेर से भी तोड़ा गया है, अब समझो इसको, अजमेर से भी तोड़ा गया है किसको, ब्यावर को। राजसमंद से भी तोड़ा गया है क्या, सॉरी पाली से भी तोड़ा गया जो अपन ने देख लिया था, और भीलवाड़ा से भी तोड़ा गया है किसको, ब्यावर को। इसका मतलब बीच में कौन सा रह गया, और राजसमंद का कुछ हिस्सा जो टोटगढ़ बना है उसमें राजसमंद का भी हिस्सा यहां पर लिया गया है थोड़ा बहुत। इस तरह है इसके साथ कितने जिले हो गए, यानी कि कितने जिलों को पुनर्गठन करके इस ब्यावर जिले को बनाया गया है, चार जिले को। राजस्थान के जो 19 जिले बने हैं, इन 19 जिलों में सबसे ज्यादा जिलों का पुनर्गठन इसी ब्यावर जिले का हुआ है, किसका हुआ है, ब्यावर जिले का। कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया, चार, बाकी किसी का तीन का किया है, किसी का दो का किया है, बाकी जैसे बाड़मेर है, सॉरी बालोतरा है, उससे केवल किससे किया गया, बाड़मेर से, इसका मतलब एक से ही किया गया। लेकिन ये कितने जिलों को मिलाकर किया गया है, चार। इसके अलावा राजस्थान का कोई ऐसा जिला नहीं आएगा नवीन जिलों में जो चार जिलों को तोड़कर बनाया गया हो। तो उसमें चार जिले कौन से होंगे, अरे कौन से होंगे, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद। अब देखो इसकी वजह से राजसमंद बेचारा अलग ही प्रश्न बन गया इसका। पहले अपन राजस्थान में दो जिले पढ़ते थे जो दो जगह हैं, राजस्थान के दो जिले ऐसे थे जो दो जगह थे पढ़ते थे, जिसमें एक चित्तौड़गढ़ जिले को पढ़ते थे और एक अजमेर जिले को पढ़ते थे। अजमेर जिले से अब वो दर्जा छिन गया, अब अजमेर दो जगह नहीं होगा। नहीं, पहले क्या था कि जैसे ये अजमेर था, ये ब्यावर था, ब्यावर पे खजा के खत्म अजमेर,
ठीक है। उसके बाद फिर सीमा किसकी लग गई, इधर तो राजसमंद और इधर पाली, और वापिस ये टोटगढ़ आता था तो ये वापिस क्या बन गया था, अजमेर। इसका मतलब अजमेर दो जगह पे था, लेकिन अब अजमेर से ये दर्जा छिन गया है। क्यों? क्योंकि जिला कौन सा बन गया, यानी उस अजमेर से किसने छीन लिया, वो ब्यावर जिले ने अजमेर से दो जगह का रास्ता छीन लिया। लेकिन फिर बोला कि भाई तेरे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, ब्यावर जब मेरा नया जिला बना है तो मैं एक और को दो हिस्सों में बांट दूंगा। और वो हिस्सा कौन सा हो गया, ये जो आप खाली सा देख रहे हो, ये कौन सा जिला है, ये है राजसमंद। इस तरह है अब जो अजमेर को जो दर्जा दिया जाता था वो अब किसको दिया जाएगा, राजसमंद। राजसमंद कितनी जगह है, दो जगह है, एक तो ये और एक देखो बीच में गैप नहीं है, उसके बाद में फिर राजसमंद यहां पर शुरू हो गया। इस तरह कितना, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्यावर जिला, लिख लिया, लिखेंगे ब्यावर जिले में, ब्यावर जिले में लिखेंगे इस जिले का पुनर्गठन, रावली टोडगढ़ तीन संभाग में फैला हुआ था, अजमेर पाली, अरे तीन संभाग में नहीं फैला था, तीन जिलों में फैला था अजमेर पाली राजसमंद अशोक गुर्जर। हां बोलो, लिखो, लिख लिया, क्या लिख लिया, हां तो लिखो कितने जिले, तीन, चार, लिखो चार, कौन से हैं। इस जिले का पुनर्गठन चार जिलों को, चार जिलों को पुनर्गठित करके किया गया है, चार जिलों को पुनर्गठित करके किया गया है। अब वो चार जिले कौन से हैं, लिख लो, अजमेर पाली भीलवाड़ा राजसमंद, भीलवाड़ा राजसमंद। लेकिन अब बात वही आ जाती है, लिख लिया, चलो पहले लिख लिया, अब लिखो इनको एक तरफ उपखंड और एक तरफ लिख लो तहसील, एक तरफ लिखो उपखंड और एक तरफ लिखो तहसील। उपखंड कौन सी है, ब्यावर टोडगढ़ जैतारण रायपुर मसूदा बदनोर। और तहसील हो जाएंगी ये किए, बस मसूदा में दो आ जाएंगी, मसूदा में दो आ जाएंगी। उतार लिया, ये क्या हो गया, तो संभाग भी तो तीन हो गए थे ना सर जी, तीन कौन से हो गए, तो हम संभाग अशोक गुर्जर तीन कौन से हो गए, उतार लिया, कौन से हैं ध्यान रखना, ब्यावर टाटगढ़ ये तो कहां से लिए गए हैं, लिख लेना आगे, ये तो कहां से लिए गए, अजमेर से। और टाटगढ़ का कुछ हिस्सा कहां से लिया गया, जैतारण और रायपुर की बात की जाए तो ये दोनों कहां से लिए गए हैं, ये आपके लिए गए हैं पाली से। और मसूदा और विजयनगर हैं ये वापस कहां से लिए गए हैं, अजमेर से लिए गए हैं। और बदनोर कहां है, भीलवाड़ा से लिया गया। बोलो याद हो जाएगा क्या, याद हो जाएगा क्या,
नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दो यहां पे आपका ध्यान रखना, आपका कोई बेटा है। कौन है? बेटा। और ये बेटा कौन सा है? ये है बेटा। क्या हुआ है? जीता है। आपका जो बेटा है वो जीता है। किससे? लड़ाई तो की होगी किसी से। वो किससे जीती है? वो जीती है राम से। राम से बेटा, आपका जो बेटा है वो जीता है किससे? राम से। लेकिन बोलो किस में? लड़ाई झगड़े में नहीं। आपके बेटे की शादी हो गई, राम की नहीं हुई, तो इसका मतलब किस में जीत गया? ब्याह में जीत गया। ब्याह किसे कहते हैं जानते हो? चखा है स्वाद कभी? हैं? सिर्फ सुना ही सुनाया क्या, या दूसरों के में देखा है, दूसरों को जाते हुए देखा है? खुद का नहीं किया होगा अभी। है, चलो कोई नहीं, नौकरी लग जाओ फिर सब देखोगे। बीटा, बे से करना है आपको बदनोर, टा से करना है आपको टाटगढ़। जीता है, आप जीता यहां से भी कर सकते हो, जैतारण, जैतारण जीता। लेकिन जीते को विजय भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजय। तो तहसील कौन सी हो जाएगी? विजयनगर, विजयनगर। राम, राम से आपको क्या करना है? रा से कहां गया आपका रा? रायपुर। कौन सा हो गया है? रायपुर। और मैं से कौन सा हो गया है? मसूदा। रायपुर मसूदा। और ब्याह, ब्याह से क्या हो जाएगा? ब्यावर। ये इस तरह थोड़ा सा आप याद कर सकते हो, बाकी कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा मामला इसमें आता नहीं है। तो बताओ इतनी सी बात समझ में आई? कोई समस्या? उतारना चाहो तो उतार सकते हो। बेटा जीता है, आपका जो बेटा है जीता है किससे? राम से जीता है। किस में? ब्याह में। ठीक है, लिख लिया? चलो लिख लिया है तो आगे और लिखो। फिर लिखेंगे ब्यावर जिले के गठन से ब्यावर जिले के गठन से अजमेर जिले के दो भाग ब्यावर जिले के ना ब्यावर जिले के गठन से अजमेर जिले के दो भाग का दर्जा, दो भाग का दर्जा छिन गया है। छिन गया है तथा राजसमंद जिला, तथा राजसमंद जिला, राजसमंद जिला दो भागों में विभाजित हो गया है। दो भागों में विभाजित हो गया मतलब इस ब्यावर जिले ने क्या कर दिया? अजमेर जिला जो है उसके तो दो भाग थे, उसको तो हटा दिया, लेकिन दूसरा क्या काम कर दिया? राजसमंद जो पहले एक था उसको कितने भाग में कर दिया? दो भाग। किसकी वजह से? ब्यावर की वजह से। ठीक है, एक तो बात हो गई है ये ब्यावर जिले की। इसके अलावा और ब्यावर में आपको पता होगा कृष्णा मिल, सबसे पहले जो कपड़े की मिल लगी थी वो कहां लगी थी? कौन से जिले हो गए? अब ब्यावर जिले में होगा या नहीं होगा वो आप उद्योग धंधे में, कुटीर उद्योग में जब पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे। इसके अलावा सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जिलों का गठन करके क्या बनाया गया है? जिला। ये लिखवा दी थी या नहीं लिखवाया था? सबसे ज्यादा जिलों वाला तो लिखेंगे। इस जिले का गठन, इस जिले का गठन सबसे ज्यादा, इस जिले का गठन सबसे ज्यादा चार जिलों का पुनर्गठन करके किया है। चार जिलों का पुनर्गठन करके किया है। हाँ, 1889 में दामोदर दास राठी। अच्छा जी, ठीक है, ये यहां पे चार जिले, चार जिले मैंने आपको वैसे पहले बता ही दिए हैं। अब इसी वजह से अजमेर जिले पे प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, तो चलो उस अजमेर जिले को अब देख लेते हैं। अजमेर, अच्छा इसकी उपखंड कितने बने?
छह, और तहसीलें कितनी बनी, तहसीलें कितनी बनी, यानी उपखंड तो बने छह और तहसीलें बनी सात, यहीं सात से ही शुरू क्या हो जाएगा, यानी अजमेर में अब कितने उपखंड बच गए, सात, कितने बच गए सात, और उनकी तहसीलें भी कितनी हैं, सात ही है, ठीक है। अब वो कौन सी हैं उसको और लिख लेते हैं, इसकी वजह से अजमेर यहां पे है। अच्छा, इसके चारों तरफ लिखना था वो लिख लिए, कौन सी किधर किधर कौन सा जिला है, इधर लिख लेंगे, यहां जो है ये तो कौन सा लगेगा, अजमेर लगेगा, इधर इधर कौन सा लगेगा, भीलवाड़ा लगेगा, और इधर कौन सा लगेगा, ये लगेगा पाली, और इधर कौन सा लगेगा, राजसमंद, और ये भी लिख लेना, ये भी कौन सा है, सफेद वाला राजसमंद। ये रहा ना, तो और क्या करना है, मैंने क्या बताया है, अजमेर, अजमेर की अगर बात की जाए तो इस अजमेर में अब उपखंड कितने बच गए, कौन से जिसमें एक पहला तो खुद कौन सा हो गया, इसके अलावा पुष्कर, पुष्कर के अलावा है पिसांगन, इसके अलावा है आपका नसीराबाद, रूपनगढ़, अराई, अराई ए अराई, अजमेर, पुष्कर, पिसांगन, नसीराबाद, रूपनगढ़, अराई, और कौन सा बच गया, किशनगढ़, ये सात उपखंड बच गए अजमेर में, अजमेर, पुष्कर, पिसांगन, नसीराबाद, रूपनगढ़, अराई, किशनगढ़। इसमें आपने देखो अजमेर में आप तो वैसे तो अजमेर है ही दरगाह वाली, पुष्कर की पुष्कर का मेला भरता है, पढ़ोगे आप, नसीराबाद सैनिक छावनी थी नसीराबाद, रूपनगढ़ नदी आती है वो उसमें पढ़ते, रूपनगढ़ नदी जो सांबर झील में गिर जाती है, और किशनगढ़, किशनगढ़ में क्या है, अरे किशनगढ़ वो क्या बोलते हैं, मंडी है ना, हाँ संगमरमर मंडी जो है वो कौन कहाँ है, किशनगढ़। अगर इनकी तहसीलों की भी बात की जाए, तहसील, तहसील की भी कितनी है, सात, सात का मतलब अजमेर की भी तहसील अजमेर, पुष्कर की पुष्कर, पिसांगन की पिसांगन, नसीराबाद नसीराबाद, रूपनगढ़, अराई और किशनगढ़, ये मुख्य रूप से अजमेर की तहसीलें हो जाएंगी। ब्यावर जिले में और इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। हो गया ब्यावर, तो बालोतरा और ब्यावर, उसके बाद अगले जिले की बात करते हैं, कौन सा आ गया, डीग, कौन सा जिला आ गया है, डीग जिला आ गया है, देख रहे हो डीग को, दिख रहा है डीग, जस्ट इसके नीचे जो आता है वो आता है भरतपुर, यानी कि डीग जो जिला बनाया गया है, ये डीग जिला केवल एक ही जिले को पुनर्गठित किया है, और वो कौन सा है, भरतपुर, यानी भरतपुर का विभाजन करके ही कौन सा बना दिया, डीग जिला यहां पर बना दिया, और जैसे डीग जिला बना है उसी से ही 290 सालों में वापस डीग एक सत्ता के केंद्र में होगा, 290 साल, यानी कि जो भरतपुर में अपन भरतपुर की राजधानी पढ़ते थे, इतिहास में पढ़ा है कि भरतपुर की राजधानी क्या थी, भरतपुरी थी, लेकिन आपको पता है पहले भरतपुर की राजधानी डीग हुआ करती थी, जिसे दीर्घ या दीर्घपुर भी कहा जाता था,
दीर्घ पूर्वी से नाम बताया गया है, दीर्घ भी से बोला जाता था। 1733 तक ये दीघ जो है ये राजधानी हुआ करती थी, जो बदन सिंह ने इसको बनाया था सबसे पहले। लेकिन 1733 के बाद में राजधानी क्या हो गई इनकी, भरतपुर हो गई। लेकिन वापस अब 2023 में ये वापस सत्ता के केंद्र में आ गई है, यानी प्रॉपरली ये क्या बन गया, जिला। और इसका मुख्यालय कहां होगा, दीघ में ही होगा। तो न्यूज़पेपर में ये हेडिंग आई थी उसमें कि दीघ फिर से सत्ता के केंद्र में, यानी कि अब क्या होगा, दीघ एक जो जिला होगा वो यहां पर होगा। लेकिन आप देखोगे जैसे दीघ है उसके नीचे जो था भरतपुर, भरतपुर जिले को जब पहले कहते थे कि भरतपुर जिला है, उसकी आकृति लगभग कैसी है, तो कहते थे कि गिलहरी नुमा है, एक गिलहरी है जो ऐसे लेके बैठी हुई किसी को खा रही है। वो कौन सा था, ये वो पैर थे उसके, ये उसका मुंह था, और नीचे अगर बात की जाए तो उसके क्या थे, पैर थी, पूंछ थी, वो कौन सा था, भरतपुर। लेकिन उस भरतपुर के उत्तर वाले को तो नीचे वाला तो भरतपुर रख दिया, और ऊपर वाला कौन सा रख दिया, ये आपका रख दिया आपका दीघ जिला। तो सबसे पहले बात करें दीघ कौन से जिले को, केवल न केवल भरतपुर जिले को। तो दीघ में सबसे पहले लिखेंगे दीघ जिले का गठन, दीघ जिले का गठन, दीघ जिले का गठन भरतपुर जिले का पुनर्गठन करके, दीघ जिले का गठन हो जाएगा ये तो, दीघ जिले का गठन भरतपुर जिले का पुनर्गठन करके किया है। पुनर्गठन करके किया है, ठीक है। अब लिखो सबसे पहले इसमें, इसमें उपखंड कौन से हैं, दीघ, कुम्हेर, नगर, सीकरी, काम्मा, पहाड़ी। और इसके तहसीलें कौन सी हैं, तो तहसीलें आपकी हो जाएगी दीघ, जनूथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, काम्मा, जुरहरा और पहाड़ी। एक बार इनको लिखो, उतार लिया तो बताओ उपखंड कितनी हो गई और तहसीलें कितनी हो गई, आठ कहां हो गई, नौ, छह उपखंड हैं और नौ तहसीलें हैं। अब भरतपुर इससे छोटा हो गया, सब कुछ ये मान के चलो कि भरतपुर से सब कुछ ले गए दीघ, भरतपुर में कुछ नहीं बचा, एक दो कोई संस्थान वस्थान छोड़ दो, नबे की सारा का सारा कौन ले गया, दीघ ले गया। और दीघ इसलिए ले गया कि आपको ध्यान है, शायद आपने तो नहीं सुना होगा, दीघ के एक विधायक रहे थे जिनकी 2006 में मृत्यु होगी, जिनका नाम था अरुण सिंह। चार बार विधायक रहे थे, राज परिवार से थे, सुना होगा नाम इनका, हाँ, अरुण सिंह चार बार विधायक रहे थे। जिस तरह है मदन प्रजापत ने कसम खाई थी कि जब तक जिला नहीं बन जाता बालोतरा मैं क्या नहीं करूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा, इसने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली थी कि बोलो जब तक दीघ जिले को दीघ में जब तक पानी नहीं पहुंच जाता और दीघ जिला नहीं बन जाता मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, मतलब शादी नहीं करूंगा।
2006 तक पानी नहीं आया डिग में और 2006 में डेथ हो गई उनकी, इसलिए उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। लेकिन 2013 में फिर डीग और कामा में, आपको पता है गुड़गांव नहर से पानी आता है, तो कौन से दो तहसीलों में आता था? भरतपुर की पढ़ते थे अपन, भरतपुर की दो तहसीलों में डीग और कामा में आता है। अब वो डीग का वो क्या हो जाएगा? अब जिला हो जाएगा। अब ये नहीं आएगा डीग कामा तहसील में भरतपुर जिले में आता है, नहीं, अब क्या आएगा? डीग कामा और डीग कामा दोनों की दोनों कहां आ गई? आपकी डीग और कामा कहां? डीग जिले में आ गई है। इसका मतलब यह है कि डीग जिला भी बनने, रामलू भाई जो कमेटी बनाई थी जो इन जिलों को बना रही थी, उनके सामने ये प्रश्न आया भी था कि यहाँ पे कि डीग जिले को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने बोला कि डीग जिले को एक प्रकार से बना देते हैं, क्यों बनाने बना क्यों बनाना है इसको? कहीं ना कहीं आपको पता है भरतपुर जिले से इस विधानसभा में 5 मंत्री हैं, है या नहीं है? डॉक्टर सुभाष गर्ग कहां से हैं? कहां से हैं? अरे कहां से हैं? भरतपुर से ही तो हैं। इसके अलावा एक विश्वेंद्र सिंह, ये भी भरतपुर जिले से ही थे। एक क्या नाम है वो कामा से है, हैं? अच्छा जाहिदा, हाँ हाँ वो। यानी कि एक प्रकार से अगर इनको देखा जाए इसमें और भरतपुर वाले में, तो डीग वाला जो इलाका है ये किससे लगता है? हरियाणा से टच है। पहले भरतपुर क्या था? हरियाणा से टच था, और हरियाणा से जैसे टच है तो हरियाणा में कौन सा जिला? नू मेवात। कौन सा था? नू मेवात। तो ये पूरा का पूरा जो है नू मेवात, यानी मेव जाति से संबंधित ज्यादा था, और प्रॉपरली जो ये भरतपुर है, फिर इससे कौन सा जुड़ जाता था? जो आपका मथुरा जुड़ता है वो मथुरा लगभग, यानी इसी यहाँ पे अलग अलग हो गए, और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण न बिगड़े इसलिए क्या करते हैं अपन? ये अलग कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं। विश्वेंद्र सिंह का अलग हो जाएगा, सुभाष गर्ग का अलग हो जाएगा, अलग अलग लड़ो। तो क्या कर दिया? इस डीग को जिला यहां पर बना दिया। इसका मतलब यह है कि डीग जो जिला बन रहा था, ऐसा नहीं कि पहली बार इसको देखा रही हो गया, 1996 से इसकी शुरुआत हो चुकी, 96 में होने लग गया था क्या कि इसको जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। लेकिन अब जाके ये क्या हुआ है? जिला बना है। ठीक है, तो ये लिख लिए, इसमें लिखेंगे आगे, लिखेंगे इस जिले के गठन के लिए, इस जिले के गठन के लिए, गठन के लिए तथा डीग में, डीग में पानी लाने के लिए, पानी लाने के लिए 4 बार के विधायक रहे, पानी लाने के लिए 4 बार के विधायक रहे अरुण सिंह। कौन थे? अरुण सिंह। 4 बार के विधायक रहे अरुण सिंह ने जीवन भर अविवाहित रहने की, ने जीवन भर अविवाहित रहने की कसम खाई थी, खाई थी, अविवाहित रहने की कसम खाई थी कि भाई मैं जब तक शादी नहीं करूंगा तब तक कि पानी नहीं आ जाता, क्योंकि लोगों ने, यहां की जनता ने मेरे को कितनी बार विधायक बनाया है, 4 बार, तो मेरा कुछ फर्ज तो बनता है, ऐसे तो मैं बनता जाऊंगा, तो बोले जब तक शादी नहीं करूंगा तब तक पानी नहीं आ जाता। लेकिन 2006 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अविवाहित ही रहे थे वो, जीवन भर अविवाहित रहे थे। ठीक है, लिख लिया, जीवन भर अविवाहित लिखे। इसके बाद लिखेंगे स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में डीग को दीर्घ या दीर्घपुर, स्कंद पुराण में डीग को दीर्घ या दीर्घपुर, डीग या दीर्घ या दीर्घपुर का उल्लेख किया गया है, का उल्लेख किया गया है।
उसके बाद लिखेंगे 1733 तक, 1733 तक डीग भरतपुर जिले की राजधानी रहा था, डीग भरतपुर जिले की राजधानी रहा था। इसको सबसे पहले महाराजा बदन सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। और उसके बाद लिखेंगे इससे पहले 1996 में, अगली लाइन में लिखेंगे इससे पहले 1996 में डीग को जिला बनाने की कवायद शुरू की थी। शुरुआत की थी मतलब कोशिश की थी, कवायद शुरू की थी। ये कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है आपका डीग। अब डीग के जब आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ोगे, जैसे डीग के जल महल, तो अब ये क्या हो जाएगा? डीग में ही आ जाएंगे कोई ज्यादा। इसलिए मैंने आपको ये लिखा है कि इसमें संबंधित कोई अगर आएगा, जैसे कुम्हेर की बात की जाए, कुम्हेर में क्या है कोई फेमस है? क्या है? अच्छा, किशोरी रानी का, हाँ किशोरी रानी का महल। अच्छा, कल्चर में और कोई? बस ठीक है। अच्छा तो मेरे को बताओ, मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ है? वहीं है। कहाँ? किशोरी के महल में है या नहीं है? हाँ, तो वो यहां पे है। ये सारे के कहां हो जाएंगे? क्योंकि आप देखो, इसमें इतना ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। अगर पहले वाला आपने भूगोल पढ़ा होगा या इतिहास संस्कृति पढ़ा होगा, तो उसमें सिर्फ चेंज करने की क्या जरूरत है कि आपने जब कुम्हेर वाला पढ़ा है, डीग वाला पढ़ा है, डीग के महल वहां पर पड़े हैं, तो बस आप ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए मैं प्रॉपरली आपको केवल जो प्रशासनिक ढांचा है वो ही आपको करवा रहा हूं, नहीं बाकी जैसे अपन प्रॉपरली भूगोल में चलेंगे ना तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा जब ये चीजें आपको पता होगी। लेकिन अगर ये नहीं पता होगी तो फिर वही है आपके लिए, बहुत लंबा हो जाएगा ये भूगोल फिर। ठीक है, तो ये है। अब इससे कौन सी महाराजा सूरमल है कहां? हाँ हाँ, तो अभी वो निश्चित नहीं है कि वो कुम्हेर में है, क्योंकि राजस्व विभाग है, वो क्या करेगा? सीमा तय करेगा, गांव गांव की सीमा तय करेगा। अगर वो करेगा तो प्रॉपरली, अगर पूरा का पूरा जो कुम्हेर की एक सीमा है, जो लास्ट गांव भी अगर उसमें करेगा, तो फिर वो डीग जिले में ही आ जाएगा है। अगर तो फिर प्रॉपर तो उसमें कुम्हेर डीग जिले में ही आएगा फिर। हाँ, क्योंकि ये पूरा, ये मान के चलो कुम्हेर उपखंड हो गया, यानी कि कुम्हेर उपखंड हो गया है, तो वहां पे कुम्हेर तहसील, तो उसमें कहीं ऑफिस अगर कुम्हेर में ही है या वो यूनिवर्सिटी, तो उसी में ही आ जाएगी फिर, इस डीग जिले में ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आज के लिए, बस इतना ही। बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास।